नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको एक कुर्ती का बहुत ही सुंदर और आसान सा डिजाइन बनाने का सिंपल तरीका। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको मटेरियल बताना चाहूंगा। यहाँ पे मैंने नॉर्मल तरीके से कमीज का फ्रंट और बैक कटिंग किया हुआ है। ये नीचे की साइड हमारी बैक साइड होगी और ऊपर की साइड फ्रंट होगा। जैसे सभी कमीजों की कटिंग की जाती है बिल्कुल नॉर्मल, इसमें आपने कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं कटिंग करनी है। सिर्फ जैसे नॉर्मल कमीज कटिंग होती है ऐसे ही आपने एक कमीज कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट बैक कटिंग किया हुआ है जिसमें हम बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाएंगे। और मैंने ऊपर डिजाइन के लिए ये कपड़ा लिया हुआ है। यहाँ पे ये कपड़ा 1.5 मीटर हमारा कपड़ा है और ये लिलन कपड़ा है। और नीचे की साइड मैंने कैमरिक कॉटन लिया हुआ है। ये हमने 1.25 मीटर में से फ्रंट बैक की कटिंग की हुई है। अब जो 1.5 मीटर कपड़ा है ये हमारा ऊपर की बॉडी में लगेगा, नीचे डिजाइनिंग में लगेगा यहाँ तक, और आगे बाजू में लगेगा। तो ये 1.5 मीटर कपड़े का हम डिजाइन बनाएंगे। सबसे पहले हम डिजाइनिंग की कटिंग कर लेते हैं। डिजाइनिंग की कटिंग करने के लिए यहाँ पे जहाँ पे हमारी कमर आती है इस कमर के निशान से हम बीचों बीच बिल्कुल सेंटर से कटिंग कर लेते हैं। ऐसे इस प्रकार से हमारी फ्रंट बैक की अलग अलग कटिंग हो गई है। ये नीचे की साइड हमारी बैक साइड है और ऊपर हमारा फ्रंट है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा ये कपड़ा है इसमें से सेम फ्रंट बैक कटिंग कर लेने हैं। डिजाइन में आपको फ्रंट का ही दिखाऊंगा बना के कि फ्रंट हमने किस तरीके से तैयार करना है। ये बैक साइड की कटिंग हो गई। जो आगे का कपड़ा बचता है इसमें से हम, ये हमारी फ्रंट की कटिंग है, जो आगे का कपड़ा बचता है इसमें से हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। अब हम बैक साइड को एक साइड रख देते हैं और यहाँ पे हम इस कपड़े की डिजाइनिंग करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा ब्लैक वाला पीस है ये कमीज का, इसमें से हम राउंड शेप का एक गला कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो हमारा ऊपर वाला कमीज वाला कपड़ा है ये ब्लैक कलर वाला, इसमें हम गले की कटिंग करेंगे। गला जैसे हमने यहाँ पे 5.5 इंच ब्रॉड रखना है तो हम यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगाएंगे क्योंकि एक पैर हमें बाहर मार्जिन के लिए चाहिएगा। और डीप लेंथ रखेंगे यहाँ पे 6.5 इंच की। यहाँ पे इस प्रकार हम गोलाई का निशान लगाते हुए इसी निशान के ऊपर हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे गोल गले की कटिंग हो गई है। अब जो हमारा नीचे का कपड़ा होता है इसमें हम गले की जब कटिंग करते हैं तो ये कपड़ा जो है हमारा लीलन है, लीलन सॉफ्ट कपड़ा होता है, तो इसके ऊपर हम पहले यहाँ पे पेपर पेस्टिंग पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक ये पेपर पेस्टिंग का कपड़ा टुकड़ा लिया हुआ है जो एक साइड से रफ होता है और दूसरी साइड से इस पे फ्यूल लगा होता है जो प्रेस से पेस्ट हो जाता है। यहाँ पे इस प्रकार इसको रखेंगे और अच्छे से पेस्ट कर लेंगे।
पेस्ट करने के बाद फिर से हम यहाँ पे इसको इसी तरीके से सेम पहले वाले तरीके से सेट करेंगे, ऐसे डबल फोल्ड करके, क्योंकि यहाँ पे हमें गले की कटिंग करनी है। अब हम ऊपर वाला पीस यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पे हम इस पीस को ऊपर की साइड रख के देखते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक हमारा पीस बैठा हुआ है। अब हम इसको अलग हटा देते हैं और जो यहाँ पे हमें गले की बीच में से पीस बचा था उसको यहाँ पे इस तरीके से रखते हैं। पीस उठाने के बाद दोस्तों हम जो बीच वाला पीस होता है ये जो हमने गले वाला कटिंग किया था उसको यहाँ पे इस प्रकार से रख लेते हैं और रखने के बाद हम इसके इस तरीके से निशान लगा लेते हैं बाहर की साइड में। मैं मार्कर से निशान लगा के दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे यहाँ से एक 1.5 इंच का निशान लगाना है और इस साइड भी हमें 1.5 इंच का निशान लगाना है। इस निशान को इस निशान से हम इस प्रकार से मिला लेते हैं ऐसे। अब हमने यहां से एक 1.5 इंच का निशान लगाना है और एक 3 इंच का निशान लगाना है। जो 3 इंच का निशान है उसको हम ऊपर की साइड 1.5 इंच तक लेके जाएंगे इस प्रकार से और यहां से हम इस तरीके की शेप डालेंगे ट्रायंगल शेप वाली। फिर इस साइड भी हम 3 इंच पे मिला देंगे इस प्रकार से। तो ये हमारी ये शेप बन जाती है, यहाँ से हमारे इस तरीके से आएगी और यहाँ से इस तरीके से। अब जो गले की बिल्कुल सीधी लाइन है इसको हम बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। इस प्रकार सीधा कर लेंगे और पूरी सीधी लाइन में हम इसी प्रकार की शेप डालते हैं। इस प्रकार की शेप डालने के लिए हम यहाँ पे इस तरीके से एक पीस कटिंग कर लेते हैं जितना हमें यहाँ पे लंबाई चौड़ाई वाला चाहिए। सेम इसी तरीके से हम पीस कटिंग करेंगे। ये हम पेपर का किसी भी पेपर का कटिंग कर लेते हैं और यहाँ पे ताकि हमारे सभी से बराबर रहे इस प्रकार के से निशान लगा लेते हैं। इस तरीके से निशान लगाने के बाद हम इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग करेंगे। कटिंग दोस्तों हमने कर ली है। अब मैं आपको नीचे की साइड कुर्ती वाला फ्रंट रख के दिखाऊंगा जो हमारा ब्लैक कलर का है और यहाँ पे ऊपर की साइड हम जो हमने डिजाइनर कपड़े के डिजाइनर पीस कटिंग किए हैं इनको रखेंगे इस प्रकार से। जो यहाँ पे हमारा फ्रंट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। अब ऊपर की बॉडी के कटिंग हमने यहाँ पे ये कंप्लीट कर ली है। अब जो नीचे वाली है जो नीचे का पोर्शन होगा हम यहाँ पे इस पीस की कटिंग करेंगे। ये हमारा नीचे का हो गया। नीचे के पोर्शन की कटिंग के लिए भी हम यहाँ पे ये डिजाइनर कपड़ा यूज करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमें जो नीचे की साइड जो कपड़ा लगाना है उसकी लंबाई हमें यहाँ पे रखनी है 7 इंच की। तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे कपड़ा कटिंग करेंगे इतनी चौड़ाई वाला और लंबाई हम इतनी रखेंगे।
आप लंबाई चौड़ाई किसी भी तरीके से देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आपको रख के दिखाऊंगा इस प्रकार से कपड़ा, सेम कटिंग हम यहाँ पे फ्रंट के साथ साथ करेंगे। अब ऊपर की साइड हम बराबर कपड़ा मिलाते हुए यहाँ पे निशान लगाएंगे, जैसे मैंने बताया था आपको 8 इंच के ऊपर यहाँ पे 8 इंच पे लगाएंगे। दूसरी साइड भी हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को बिल्कुल सीधा एक दूसरे से इस प्रकार से मिला लेंगे और यहाँ पे भी हम कटिंग कर देते हैं बिल्कुल सीधी। ये हमारा नीचे का पोर्शन है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो हमारी ये पट्टी कटिंग की है हमने, इसके ऊपर हम यहाँ पे पेपर पेस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पेपर पेस्टिंग का 4 से 4.5 इंच का पीस लिया है और इस प्रकार रखते हुए यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और अच्छे से इसको पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद जो हमारा पेपर पेस्टिंग वाला पीस होगा वो नीचे की साइड आएगा इस तरीके से। अब हम यहाँ पे भी इसी तरीके की शेप डालेंगे और यहाँ पे शेप डालने के लिए हमने सेम मेथड यूज करना है जो हमने यहाँ पे कटाऊ वाला यूज किया था। यहाँ पे हम जो हम हमारा यहाँ पे ये पैटर्न था सेम यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। ये मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है इस प्रकार, अब हम आगे की साइड इस तरीके से रखेंगे। अब इसी शेप में हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे इसको ओपन करके इस तरीके से रख के दिखाऊंगा। मैं आपको समझाना चाहूंगा कि हमारी डिजाइनिंग यहाँ पे किस तरीके से आएगी। दोस्तों ये हमारी पूरी डिजाइनिंग की अपनी कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये हमारा राउंड शेप का नीचे कुर्ती का गला आएगा, ऊपर की साइड हम यहाँ पे इस तरीके से डिजाइनिंग डालेंगे और यहाँ पे नीचे की साइड हमारी इस तरीके की डिजाइनिंग होगी। तो ये फ्रंट की हमने पूरी कंप्लीट डिजाइनिंग वाली कटिंग कर ली है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले हम स्टिचिंग के लिए जो हमारे ऊपर के पीस होते हैं इनको हम तैयार करते हैं। इनको तैयार करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे एक पट्टी लेनी है तकरीबन 4 से 4.5 इंच चौड़ाई वाली। इस प्रकार से एक पट्टी लेंगे और लंबाई हम अपने इस पीस के बराबर रखेंगे उसकी इस प्रकार से। और यहाँ पे हम इस तरीके से नीचे की साइड पट्टी रखते हुए ऊपर की साइड अपना ये डिजाइनर फ्रंट रख लेते हैं इस प्रकार। और यहाँ पे हम एक पैर चौड़ाई वाली सिलाई लगाएंगे।
इस प्रकार सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम सेम इसी साइज के यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं, जैसे हमने पहले कटिंग की थी इस प्रकार से। कटिंग होने के बाद जहां पे हमारी नोक आती है वहां पे हम इस प्रकार से सिलाई के नजदीक तक कट लगाएंगे। सभी जगह हमने कट लगा लिए हैं। अब यहाँ पे हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए इनको सीधा कर लेंगे इस प्रकार। सभी जितने भी हमारे कोने होते हैं, ये नोक होती है, इनको इस तरीके से फोल्ड करेंगे सिलाई तक, जितना जैसे हमने एक पैर का मार्जिन रखा है यहाँ पे सिलाई में, तो एक पैर का ही हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे सिलाई बिल्कुल बीचों बीच, और यहाँ पे दूसरी साइड भी इसी तरीके से फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे इसको सीधा कर लेते हैं। सभी नोकों को हम इसी तरीके से निकालेंगे। इस प्रकार निकालने के बाद हम किसी सुई की मदद से जो नोक होती है इनकी, इनको बारीक कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे हमने बारीक नोक निकाल ली हैं। अब नीचे का जो कपड़ा होता है, एक्स्ट्रा मार्जिन होता है, उसको हम कटिंग कर लेते हैं यहाँ पे इस प्रकार, क्योंकि ज़्यादा कपड़ा हमें यहाँ पे चाहिए नहीं, तो इतना हम कपड़ा छोड़ते हुए यहाँ पे कटिंग कर ली है। और अब जैसे मैंने एक पीस ये तैयार किया है, दूसरी साइड का जो हमारा पीस होगा इसको भी हम सेम तरीके से तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने इस प्रकार से दोनों पीस अपने कंप्लीट कर लिए हैं और एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे कटिंग कर दिया है। इस तरीके से दोनों साइड के ये पीस हमारे तैयार होने के बाद अब हम फ्रंट लेंगे, ऊपर का जो बॉडी पार्ट हमने कटिंग किया था, जो हमारा गला है, पहले हम गला तैयार कर लेते हैं। गला तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने एक रेब की पट्टी कटिंग की हुई है, जिसकी चौड़ाई तकरीबन 1.5 इंच की होगी। इस पट्टी को हम इस प्रकार से फोल्ड कर लेते हैं डबल, और यहाँ पे हम गोलाई में लगाएंगे। पूरे गोल गले में हम एक पैर की चौड़ाई से इस पट्टी को अटैच कर लेते हैं। पट्टी लगाने के बाद हम जो एक्स्ट्रा पीस होता है इसको इस प्रकार से डबल इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं यहाँ पे इस प्रकार से, और यहाँ पे भी हम एक पैर चौड़ाई वाली सिलाई लगाएंगे, यहाँ पे हम किनारी की सिलाई लगाएंगे।
तरीके से रेब की पट्टी लगाते हुए हमने यहाँ पे गोल गला अपना तैयार कर लिया है। दोस्तों इस तरीके से जब हमारा गोल गला यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, अब हम साइड में यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे जो हमने ऊपर की डिजाइनिंग वाला पीस तैयार किया है। इस प्रकार रखते हुए और साइडों से यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। साइडों से यहाँ पे हमने एक पैर की सिलाई से यहाँ तक अटैच कर लिया है। अब जितने भी हमारे यहाँ पे ये कटवर्क हैं इस प्रकार के, यहाँ पे हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से दोस्तों हमने एक साइड की अपनी पूरी डिजाइनिंग कंप्लीट कर ली है। अब सेम जो हमारी दूसरी साइड होगी वहां पे भी हम इसी तरीके से पीस रखते हुए यहाँ पे भी दूसरी साइड की डिजाइनिंग भी इसी तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे। दोनों साइड दोस्तों हमने इस प्रकार से अपना डिजाइनिंग कंप्लीट कर लिया है। अब हम ऊपर के जैसे बॉडी का कंप्लीट हो जाता है तो नीचे का जो पोर्शन है हमारा यहाँ पे ये कमर से नीचे का हमारा ये पोर्शन होगा, इसको भी हमने यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था इसी तरीके से कटवर्क बनाने थे, तो यहाँ पे मैंने ये सेम इसी प्रकार के कटवर्क बनाए हुए हैं। नीचे का जो एक्स्ट्रा यहाँ पे मार्जिन है इसको हम कटिंग कर देते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, तो इसीलिए मैंने सेम यही तरीका है, यही मेथड है यहाँ पे भी कटवर्क बनाने का हमारा। वीडियो बड़ी ना हो तो मैंने यहाँ पे भी ये कटवर्क पहले से तैयार किए हुए हैं। अब हम यहाँ पे इनको इसी तरीके से अटैच कर देते हैं। सेंटर पॉइंट का ध्यान रखना है क्योंकि हमने यहाँ पे सेंटर में ही कटिंग स्टार्ट की थी इस तरीके से। यहाँ पे इसी तरीके से ऊपर की साइड रखते हुए पहले हम एक पैर की यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे भी हम जैसे हमने फ्रंट के कटवर्क में यहाँ पे सिलाई लगाई थी एक पैर चौड़ाई वाली, ऐसे ही यहाँ पे भी हम एक पैर चौड़ाई वाली सभी कटवर्क में सिलाई लगाते हैं।
इस तरीके से दोस्तों हमारा यहाँ पे कमर के नीचे का हिस्सा भी एक कंप्लीट हो जाता है। अब हम यहाँ पे जो हमारी ये ऊपर की बॉडी है इस तरीके से सेंटर मिलाते हुए ध्यान रखेंगे सेंटर हमारा आउट ना हो, और यहाँ पे इस प्रकार से एक सेंटर बना लेंगे। और इसी तरीके से हमने ऊपर की जो बॉडी है उसमें भी बनाना है, और इन दोनों सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए इस प्रकार रखेंगे हम, और इसको इस तरीके से पलटेंगे, और दोनों सेंटर हम यहाँ पे इस प्रकार मैच करेंगे और आधा इंच चौड़ाई वाली सिलाई लगाएंगे। प्रकार दोस्तों हमने ये कमर वाली अपनी सिलाई कंप्लीट की है। अब हम सीधी साइड करके देखेंगे तो हमारी जो कुर्ती की डिजाइनिंग है कुछ इस प्रकार आएगी। इस प्रकार दोस्तों हमने ये बहुत ही सुंदर अपनी कुर्ती का फ्रंट डिजाइन कंप्लीट किया है, और सेंटर में हमने यहाँ पे ये लटकन वाले बटन लगाए हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।